आज वट्टापल्ली गुंटल शाह बाबा की दरगाह को लेकर मुकामी आवाम ने मिलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब की परमिशन से गुंटल शाह बाबा की कब्रिस्तान में जो दीवार तोड़ दी गई थी वही दीवार दोबारा बनाया गया। मुकामी आवाम का कहना यह है कि पुरानी कमेटी को बर्खास्त करके नई कमेटी बनाए और इसमें मौजूद थे मोती नायक कॉपरेटर हन्नान और MIM के तमाम लोग भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। पांच फीट डालना बहुत पारा बहुत छोड़ रहे ना डाल दे तो क्या कर लेगा वो जाती जमीन है हमारी हमारे भाव दिए सो है कब्रिस्तान देने के लिए बोल रहा हमारे पीने लिए जमीन है शेख जिलाया तो जानू मार के पुराने बोले आफिस का घर रेड्डी को पूछे कि दे दे पैसा दे दो मजदूर बड़ी करते होंगे अब आ तो पूछेंगे तो खराब हो गए आपके सामने आने से हमारी तबियत खराब हो जाती है पहले हम लोगों से थोड़े बहुत मामला थे घर लाया अपना चला के लेके लिए भाई बोलो जी। गुंटल बाबा दरगाह में दरगाह का अंदर एक गिरेवाड़ है, अंदर दरगाह भी है, अंदर गिरेवाड़ भी है। और परसों में हमारे गिरेवाड़ के सोसाइटी वाले बोल के दीवार तोड़ने लगाए थे, दीवार तोड़ दिए थे। दीवार तोड़ने के बाद में क्या कर रहे बोले तो हमारे पब्लिक पूछी थी यहाँ क्या कर रहे भाई यहाँ पे दीवार तोड़ के बोले तो दीवार तोड़ के अंदर कारखाना लगाते बोल के वो लोग बोले थे। पब्लिक को बोले तो पब्लिक जो भी इतने भी पब्लिक है सब वहाँ पे यहाँ पे हमारे सदर हमारे असद भाई हमारे सफी भाई हम आल सदर को पूरे को फ़ोन करे। पब्लिक भी मेरे को बहुत बार फ़ोन करे साहब यहाँ दीवार तोड़ दिए यहाँ पे क्या कारखाना बनाते थे घर गिरवाड़ को कैसा तोड़ दी बोल के हम भी उसी दिन आ गए थे यहाँ पे आके बोले उसी दिन भी बोला ये इस बात बोल रहे आज भी हम मजलिस से हमारे मौजूम खान से जाते एन पी साहब कहीं जाते ये परसों भी यही बात बोला था कि गिरेवाड़ को हम किसको जाने भी नहीं देंगे। फिर एक दो तीन दिन देखने के बाद दीवार हम यहाँ ठहर के हम यहाँ ठहर के बना के बाजू हटेंगे। ये सोसाइटी या कमेटी का कुछ चलने वाली है पूरी गवर्नमेंट की आबाद है। यह बात मेरी भी नहीं होती किसकी भी नहीं होती पब्लिक का आबाद है वो तो पब्लिक का गिरेवार के वास्ते आन पब्लिक आन लीडर्स पूरे मदद कर रहे हैं इसके वास्ते। आइंदा से ऐसे काम मत कर लीजिए। अब खाली हमारे लोग बोल के हम कार्रवाई नहीं कर सके अगर कार्रवाई करना स्टार्ट करेंगे आप लोग तो यहाँ पे दिखने में बहुत परेशानी हो जाएगी। सब इनके पास पेपर आए बोल के बता रहे सब जमीन के पेपर आए तो इससे पहले गिरेवाड़ कई को बनने दिए भाई वो कंपाउंड वाल कई को बनने दिए उसी दिन पेपर याद नहीं आई थी क्या मेरी लैंड है मेरी पेपर है बोल के याद नहीं आई उसी दिन है? आज 20 साल के बाद मेरा पेपर है ये है चार मनार भी मेरा है बोलता हूँ होता क्या ऐसे बात ना भूलो कब तक भूलते है खाली वो क्या ये पब्लिक हम भी बोल रहे थे हमारे वास्ते नहीं है भाई ये गिरेवाड़ वास्ते है ये पब्लिक हम पूरे आप पूरे बोल रहे थे हमारे वास्ते नहीं बोल रहे हम ये पूरे यहाँ पे जितने भी ठहरे हुए अपन पूरे वही जगह जाने की जगह है वो है वही जगह पे नियत करके मत जाइए आप लोग मैं गुजारिश करूँ अभी भी गुजारिश करूँ वो जगह पे नियत करके जाने वाले यहाँ पे नहीं रहते भी है पूरे वहीं जाने वाले मेहरबानी करता हूँ ऐसे बातें करने का बात पूरा भूल जाइए। ये भी MIM पार्टी से इजाद में कंपाउंड वाल जो भी है बंद करना चाह रहे अभी अब ऊपर भी गिरेवाड़ा भी बता रहे दूसरे लोग भी हमारे पास आए सो है वो भी गिरेवाड़ को इंक्वायरी करेंगे हम इंडोपेंड वाले को लेटर डाले सो है वो भी गिरेवाड़ को इंक्वायरी करके जितने भी गिरेवाड़ा है हमारे पब्लिक हमारे सदर मुतवत को साथ लेके वो भी जांच जाए पूरा निकालेंगे जब तक छोड़ने वाले नहीं MIM पार्टी साक्षी है। अब ये जो भी है अब जो जगह है कब्रिस्तान के लिए परमानेंट है या नहीं फिर आइंदी बार इसको फ्यूचर में फिर तोड़ के बनाने की कोशिश करेंगे कब्रिस्तान का नहीं, नहीं नहीं तोड़ के बनाने का किसकी अब होता है भी नहीं है अब छोड़ दिया उसको एक बार टाइम दे दिए सो है और एक बार सब्बल लगाया ना सीधा सब्बल का साथ उन्हें जाके अंदर बैठ जाएंगे बस थैंक यू पूरा गवर्नमेंट क्या
आज गुंताल शाह बाबा दरगाह के पास जो कब्रस्तान के साथ में जो बेहद की कोशिश की गई है, इसी जिम्मन में सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फौरन अहकाम दिया के जाकर वहां पर जो भी मुतालिका लोग जो है कब्रस्तान की जगह को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं वो काम रुकाइए। फौरन पुलिस में वो लोगों के खिलाफ में केस दर्ज कराने का हुक्म बैरिस्टर साहब ने दिया है। हम मुअज्जम खान साहब ने भी फौरन जो है जाकर वहाँ पे मुतालिका हमारे साथी कॉर्पोरेटर मोतीलाल नायक साहब को साथ लेके जाकर वहाँ के जाकर जो जो भी है बस्ती से मसाइल मालूम करकर उस फौरन उसको तामीर दोबारा उस जगह पर जो है जो दीवार टूटी है उसको तामीर करने का हुक्म दिया है। उन्हीं के ही अहकाम के बुनियाद पर हमने तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स ने मिलकर इस कब्रस्तान की दीवार का दोबारा तामीर करा रहे हैं इंशाल्लाह ताला मोतीलाल साहब ने, क्योंकि एक ख़ास तौर से लैंड ग्रबर्स को कोई जगह बस नहीं हो रही, कब्रस्तानों को भी छोड़ने के लिए जो है राज़ी नहीं है। छोटी छोटी बस्तियों के अंदर ना तो प्लेग्राउंड्स रखने के लिए रख रहे हैं वो लोग, प्लेग्राउंड्स खा जा रहे हैं, जो है मसाजिदों के जगहें खा जा रहे हैं और जो है कब्रस्तानों के जगहें खा जा रहे हैं। इसके साथ साथ में गुंताल शाह बाबा की दरगाह एक दरगाह के तहत जो कब्रस्तान एक साहब खैर ने इसको ख़रीद कर अपने पैसों से ख़रीद कर जो है इसको वक्फ किया है कि ताकि लोगों को, क्योंकि यहाँ पर लोगों को तदफीन होने के लिए जगह फराहम किया है, उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। ऐसे खैर खां लोग रहते हुए ये दुनिया कायम है और भी ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो कब्रस्तानों को जगह बीच नहीं छोड़ रहे हैं, और ऐसे ही ऊपर आड़े पहाड़ की दरगाह के ऊपर भी एक कब्रस्तान है, उस कब्रस्तान के ऊपर भी जो है बहुत सारी ज़मीन जो कब्रस्तान की है लोग लैंड ग्रबर्स जो है दिन दिन जो खोद खोद कर है पूरी ज़मीन को पहाड़ों को तोड़कर अपने जो है लैंड धंधा बना लिया है पूरे लोगों ने। सदर साहब को ये भी हम इतला पहुंचाएंगे कि आड़े पहाड़ के दरगाह के ऊपर भी जो कब्रस्तान का मोतीलाल साहब ने भी जो है वहाँ पर मायना किया, हमने भी मायना किया, वहाँ पर भी बहुत सारी कब्रस्तान की जगह जो है लैंड ग्रबर्स ने बेच कर खाया है। तो और वक्फ बोर्ड वालों को भी हम ये इतला देना चाहते हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि जितने भी कब्रस्तान की जगहें हैं और बस्तियों में, क्योंकि लोगों को रहने की जगह तो कहीं से ना कहीं एक फ्लोर से दो फ्लोर मिल जाएंगे, मगर लोगों को तदफीन के लिए जगह नहीं हो रही। यहाँ से जो है सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तवज्जो की बुनियाद पर गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कर यहाँ से 30 किलोमीटर बालापुर के पास में कब्रस्तान को लेना पड़ा। अगर बस्तियों के अंदर जो लोग साहेब खैर लोग वक्त की जायदादों का अगर तहफ़ होता, यहाँ के लोगों को, यहाँ के मसाकिनों को कब्रस्तानों की जगह फराहम होती थी। लिहाजा हम तमाम लोगों से और जो कुछ भी जो लैंड ग्रैबिंग कब्रस्तानों के लिए कर रहे हैं और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम आइए हमारे मुअज्जम खान साहब से और हमारे MP सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से नुमाइंदगी कीजिए ताकि कब्रस्तानों का तहफ़ हो सके। अस्सलाम वालेकुम।